जितने डाला में बिता करते हैं दिन फरोश, इतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। जितने डॉलर में बिका करते हैं दीन के फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। और जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, इतना हम मिलाद के धंधे में लुटा देते हैं। हम मिलाद के धंधे में लुटा देते हैं। हजरात गिरामी, आप बहुत ही खुश नसीब है कि आपके दयारे मोहब्बत में एक से एक शायर, एक से एक खतीब, जिन जिन को दावत दी गई थी सारे लोग तशरीफ ला चुके हैं। एक बाद दिगर आप सबको समाप्त करेंगे। आइए बहुत तेजी के साथ, मैं शायरी के दुनिया से हटकर अब खिताबत के दुनिया के तरफ कदम रखते हैं और खिताब करने के लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, खलीफाए हुजूर तौसीफे मिल्लत, हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा जमाल अहमद मिसबाही साहब क़िबला मद्दतुल आली व नूरानी। बस मैं हजरत को दावत देने से पहले, हजरत के आने से पहले चंद मिसरे आपको सुनाकर जाता हूँ। एक मर्तबा हजरत का इस्तकबाल कीजिए, पहले नारा लगाइए, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे जुल्म व सितम, ये सारे जुल्म इस्तकदार हंसकर तोड़ देते हैं। अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। बोलिए ना सुभानअल्लाह। मैं इस शेर पे खास करके उलमाए इकराम की दुआएं चाहता हूँ। कसम खुदा की हजरात, ये ऐसा शेर है आप तो मचलेंगे ही, हमारे स्टेज पे उलमा भी मचलेंगे। एक बार बोलिए सुभानअल्लाह। सारे जुम्मे इस्तेदार हंसकर तोड़ देते हैं। अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। जो सूखी जौ की रोटी तोड़ते हैं रखकर रानों पर, जो सूखी जौ की रोटी तोड़ते हैं रखकर रानों पर, खुदा जाने वो कैसे खबर खबर तोड़ देते हैं। जो सूखी जौ की रोटी तोड़ते हैं रखकर रानों पर, खुदा जाने वो कैसे बाबे खबर तोड़ देते हैं। और नजर तीरों पे अकबर की पड़ती है, नजर तीरों पे अकबर की पड़ती है तो मुस्कुरा उठे, कहा ये वो खिलौने हैं जो अली असगर तोड़ देते हैं। कहा ये वो खिलौने हैं जो अली असगर तोड़ देते हैं। कहा ये वो खिलौने हैं जो अली असगर तोड़ देते हैं। हजरात मोहतरम, बहुत ही खुशी के साथ मैं ये कहता हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत देर के बाद आए हैं, माशाल्लाह इनको सलामत रखें। मैं ये कह रहा था कि हमारे नौजवान बहुत ही खुश नसीब है और बहुत मोहब्बत करते हैं उलमाए कराम से, नोटों से भी नवाज रहे हैं और नोटों से भी नवाज रहे हैं, लेकिन एक ही बात है जो खाली पंडकिया नजर आता है। हजरात आप टेंशन ना लीजिए, आप घर पे रहते हैं, उलमा सफर करते रहते हैं और सफर में पंडकिया बहुत काम आता है। आजकल का भिखारी इतना स्टैंडर्ड हो गया है, जब तक नतीजे आगे बढ़वे नहीं करता है। एक शायर ट्रेन में सफर कर रहा था, उसके साथ यह हादसा हुआ तो उसने कलम को उठाया और पूरे वाक्य को एक शेर में पिरो दिया। वो शायर कहता है कि रेलगाड़ी की सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, हर किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया, धीरे से उसने कहा भूखे पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। शायर कहता है इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, धीरे से मैंने कहा माफ कर दो तुम जरा, माफ कर दो, सुनते ही वो इस कदर झलमा गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया और कहने लगा माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया। फिर उसने कहा भूखे पे करम कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 2 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहाँ उस वक्त खाली जेब था, मैं वहाँ इनकार ही करता रहा, तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा 20 रुपया 2 रुपया भी नहीं है आपके अगर पास में तो आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। ऐसा ऐसा हादसा हो जाता है।
ज्यादा वक्त ना लेते हुए बस मैं आपको बेदार करने के लिए चंद जुमले कह देता हूँ, अगर गलत लगे तो बुरा नहीं मानिएगा। इसलिए कि नकीब का काम ही यही होता है, मजमा को बेदार रखना, खेत को जोत देना, हिंगा देना और जो बीज डालना है ये उलमाए कराम करते हैं। बस आइए हजरत का इस्तकबाल कीजिए, जोरदार नारा लगाइए, नारे सुभान अल्लाह।